तो बहुत टाइम बाद फिर से मैं अवियन लेने के लिए नहीं, मेरा एक फ्रेंड का मेरा एक हस्बैंड का फ्रेंड के घर जा रही हूँ, वो मेरा भी फ्रेंड हो गया है अभी, तो उसके साथ भी मैं ज़रूर इंट्रोड्यूस कराऊँगी। और उसका ना एक बूटीक है, वो कल मैं जो कुर्ती पहनी थी मतलब रेस्टोरेंट में, वो उसका वो ही मुझे गिफ्ट किया था। वो बूटीक में बहुत क्या बोलूँ एक्सपर्ट है, और बूटीक है उसका खुद का, एक बूटीक का जो काम होता है उसमें बहुत एक्सपर्ट है वो, जो नेक पीसेस इयर रिंग वगैरह जो पंजाबी कुर्ता ये सब होता है, कुर्ती साड़ी दुपट्टा। मैं एक दिन दुपट्टा का एक ब्लॉगिंग करूँगी, मेरा पास जितना सब है थोड़ा बहुत जितना भी है उस घर में, तो उसका ऊपर एक ब्लॉगिंग मैं करूँगी ज़रूर। और चलिए देखते हैं उसका घर में जाकर थोड़ा बहुत गप्पे करके फिर लौट कर घर आना पड़ेगा, यहाँ पर डिनर कंप्लीट करके फिर हम लोग निकल जाएंगे। हमारा रात में 11 बजे का ट्रेन है, तो लकीली इस बार हमें मिल गया है एसी में, आने के टाइम बहुत दिक्कत हुआ था। छोटू सा एक क्लॉक कितना अच्छा है ना दिखने में, वो मैं पहले केक कटिंग के टाइम में जो एक शो पीस भी दिखाया था वो भी वहाँ से लिए थे, वो मम्मी के लिए लिए थे, मम्मी का बर्थडे के लिए वो कुछ दिन पहले के जाकर वो लिए थे, ऑक्सफोर्ड से ही लिए थे। और ये वाला जो है ये खरीदे है, छोटा वाला एक क्लॉक अच्छा दिखने में है ना, मैं ना छोटा छोटा की बहुत पसंद आता है, क्योंकि पता नहीं क्यों मगर बहुत पसंद आता है छोटा सा कुछ सो पीस जो क्यूट सा होता है, अच्छा है ना। अगर आपको चाहिए तो वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग आ गए हैं स्टोन मंकी घर, यहाँ पर है उसका घर ये वाला, तो अभी हम जाएंगे अंदर स्टोन मंकी घर के और देखते हैं क्या कर रहे हैं वो। चलो तो इस आदमी के बारे में मैं लड़का आदमी है ये? नहीं नहीं मैं आदमी नहीं हूँ, जब पहले मिला था तो आदमी था तो लड़का तब लड़का था, अब आदमी बन गए exactly। तो इसका ही बारे में मैं बोल रही थी ताकाई दिखे, हाय बोल तो इसका तबीयत एकदम ठीक नहीं है, हम लोग फिर भी आए हैं, हम लोग यूट्यूब ऐसे जो ना मुंह धुए गंजी पड़े फिर भी उसको आए हैं, कि इसका ना एक खुद का बुटीक भी है, तो इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेलिंग दे दूंगी, लिंक दे दूंगी कि आप चाहे तो उसको देख भी सकते हैं। और मैं जो बोल रही थी वो बहुत सारा आज हो सकते हैं तो मैं कुछ कुछ शेयर करूंगी, और तकरम ताकि किछु बोल भी लाजुक लगता है, कुछ नहीं बोलना है, कब बोलोगे पहले आप देख लीजिए हमारा घर, उसके बाद मैं कुछ बोलूंगा। और यहाँ पर देखिए एक पोर्ट्रेट, ये मेरे हस्बैंड ने उसको गिफ्ट किया था, देखिए कैसे उसके की तितली बन गए हैं वो, उसको गिफ्ट किया था तो वो बहुत नाराज़ हो गए थे, ऐसे क्यों मुझे देते हैं ऑल टाइम फनी फनी टाइप ऑफ, तो इसलिए एक सीरियस वाला पोर्ट्रेट भी गिफ्ट किया है, वो मैं दिखा रही हूँ, उसमें हम लोग भी हैं, लाइट रिफ्लेक्टेड हो रहे लाइट ऑफ। तो ये पोर्ट्रेट गिफ्ट किया था, उसके बाद दादा अल्ट्रा रिफ्लेक्शन ये दिखते एक और हैं, तो यहाँ पर है वो विश्वदीप, इसका नाम है विशु गौरव, इसके साथ भी मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगी अभी, मैं और मेरा हस्बैंड, तब उसका जो बियर्ड नहीं था ना इसीलिए ऐसा दिखने में लगता था। तो ये पोर्ट्रेट गिफ्ट करने के बाद अच्छा लगता था, अभी आदमी आदमी लगता है, तुम भी अभी आदमी हो गए हो, बताइए आप सबको बताइएगा इसमें इसमें अभी बच्चा लग रहा है या अभी जो आप तस्वीर देखते हैं उसमें बच्चा लगता है? बच्चा लगने का पॉइंट नहीं है, पॉइंट अच्छा लगने का है, अच्छा लगता है आप ही बताइए अच्छा किसमें लगता है, अभी का लुक है या इसमें
ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा किसमें अच्छा लगता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा कि उस टाइम में हस्बैंड अच्छा दिखने में लगते थे नहीं तो अभी किस टाइम में अच्छा दिखने में लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये फनी वाला ये था। और यहाँ पर ना एक लैम्प शेड है, देखिए ये मैं एक वीडियो में आपको शेयर करूँगी कैसे बनाते हैं। तो ये मेरा हस्बैंड ने गिफ्ट किया था, खुद बनाकर हाथों में हाथों से बनाकर तो छोड़ी थे उसको गिफ्ट किया था उसका बर्थडे में, क्योंकि खुद बनाकर कुछ देने से ही मज़ा ज़्यादा आता है। वो भी विशु भी हम लोगों को हाथों से बनाकर अगर कुछ देते हैं तो हम लोग बहुत खुश हो जाता है, बहुत टैलेंटेड भी है ये। तो ये मेरा हस्बैंड ने बनाकर उसको बर्थडे में गिफ्ट किया था, ये मैं शेयर करूँगी कैसे ये बनाते हैं एक दिन एक वीडियो में। और सबसे खूबसूरत जो है उसका घर का मंदिर, बहुत ही सुंदर है ये। बोर लाइट पे जाना ना, देखिए छोटा जो स्पेस है उसको भी कितना सुंदर वे में आप यूटिलाइज कर सकते हैं, इसका भी एक नमूना है ये। कितना सुंदर ये उसका गुरुदेव है, सब भगवान को कैसे गुरुजी भगवान को कैसे अलग अलग करके प्रॉपरली रखकर पूजा करते हैं। तो उसका घर का जो छोटा मोटा इंटरेस्टिंग मेमोरी वाला चीज़ था मैं वो शेयर कर चुकी हूँ, कर लिया अभी। और अब मैं बहुत सुंदर है ये खुद ने बनाया है, ये सब बना कर रखी है। आदमी जिसके बारे में अब तक मैं बोल रही थी, इसका एक खुद का बुटीक भी है, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। खाने में यम्मी वाला शरबत, गर्मी के टाइम में अगर ये हो जाए, ये मिल जाए तो स्वर्ग मिल जाता है। ये देखिए ये ना एक दुपट्टा है, ये सारा डाइस वो जो है वो डाइस यूज़ नहीं करते हैं इसमें, सारा हैंड से पेंट करते हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट है। ठीक है, ये देखिए काम, और ये ना वो मेरे लिए बना रहा है क्योंकि ये एक्चुअली वो उसका टाइम नहीं मिल रहा है, ये मेरा एनिवर्सरी का गिफ्ट है, तो तब से मैंने बोला कि ये दुपट्टा ही मुझे देना। तो ये काम चल रहा है और उसका तबीयत ठीक नहीं है और बहुत प्रेशर भी है बुटीक का, इसीलिए वो बहुत जल्द ये नहीं मुझे दे सकते हैं, मगर अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा है, मेरा तो बहुत फेवरेट है वो ना। एक प्योर सिल्क का ऊपर भी ये काम करता है, मगर उसका कॉस्टिंग थोड़ा नहीं एक टू बेशी परवल कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा पड़ता है ये कपड़े से, ये गौरव टाइप ऑफ एक कपड़े है। तो उसके ऊपर वो काम की करके मुझे गिफ्ट किया था मेरा शादी के टाइम में। मैं एक दुपट्टा वाला जो व्लॉग करूँगी आपको बताया था उसमें मैं मेरा वो कलेक्शन दिखाऊँगी ज़रूर। ठीक है, ये एक दुपट्टा वो बनाते हैं सेम काइंड ऑफ, वो बहुत सारा जो साड़ी होता है साड़ी के ऊपर भी काम करते हैं, कुर्ती के ऊपर तो बहुत सारा काम है, मैं दो एक ही दिखा रही हूँ, टाइम बहुत शॉर्ट है इसलिए। ये देखिए अच्छा है ना,
इतना सुंदर है ना ये सब, जो तूली के की बोल रहे हिंदी से ब्रश, अच्छा तो इंग्लिश होएगा लो, जो पेन ब्रश होता है ना उससे ही ये ड्रॉ किया है, को हैंड पेंट है, फुल्ली हैंड पेंट, मगर कितना सुंदर है ये। लेडीज़ कुर्ती है, ऐसा ऑर्डर देने से वो कर देते हैं, और कोई अगर क्लॉथ देकर भी उसके ऑर्डर दे तो उस पर भी वो कर देते हैं। टी शर्ट के ऊपर भी होता है, मेरे हस्बैंड के पास है, मगर यहाँ पर शायद उसका इस घर में नहीं है अभी, मैं दिखाऊंगी, मेरे हस्बैंड को वो दिए थे। और ये जो है ये जेंस पंजाबी के ऊपर बहुत सारा डिज़ाइन है, मेरे हस्बैंड का पास भी एक है ऐसा पंजाबी, वो उसका वर्क ही बहुत अच्छा है, मैं दिखाऊंगी एक दिन उसको पहनकर दिखाऊंगी। देखिए कितना सुंदर, ये जेंस पंजाबी के कुर्ता कुर्ती दोनों के ऊपर ही काम होता है। और देखिए पंजाबी, और ये भी एक टी शर्ट पंजाबी, हाँ ये भी एक जेंस पंजाबी है, ऐसे वर्क आते हैं उसमें। ऐसे और बहुत सारा नेक पीसेस है, मैं बोल रही थी बहुत ही खूबसूरत है कि रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मैं जब आकर देखती हूँ उसका नया नया कलेक्शन, मैं सोचती हूँ कौन सा रख दूँ और कौन सा ले लूँ, एवरी टाइम ऐसे ही होता है। देखिए कितना सुंदर है ना, ऐसा ना मिलता नहीं दुकान में, तो ऐसा जाओ तो मिलता नहीं, और बुटीक से ही कलेक्ट करना ज़रूरी होता है, और नॉर्मल बुटीक में ना प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। ये हैंडमेड है ना, मगर ये तो स्टार्टिंग कर रहा है तो बहुत कम में ये मिल जाता है। अगर आप आपका पसंद आए कोई चीज़ तो प्लीज़ वो उस लिंक से कांटेक्ट कीजिए इसके साथ, तो आप भी शॉक्ड हो जाएंगे कि प्राइस रेट इतना कम है। मैं अभी इसमें नहीं डिटेलिंग में बता रही हूँ, और अगर किसी को पूछना है तो मुझे डिस्क्रिप्शन या कमेंट करके बताइए, मैं उसके साथ कांटेक्ट करके बता दूँगी। अच्छा होगा कि लिंक फॉलो करने से ही अच्छा होगा, तो आपका डिटेलिंग सब मिल जाएगा। ठीक, ये एक है और फैन देखिए, ऐसा फैन में ही है, ये कितना खूबसूरत है। साड़ी के साथ सॉलिड कुर्ता के ऊपर अगर आप ब्लैक वाइट, इसमें मल्टी कलर है, ब्लैक वाइट येलो ग्रीन, कोई भी एक सॉलिड कुर्ता पहन लीजिए, उसके साथ ये जो नेक पीसेस है पहन ले, से आपका लुक ही चेंज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एथनिक भी है, और आप इंडो ईस्टर्न जो कॉन्ट्रास्ट अभी बहुत चलता है, इंडो वेस्टर्न कॉन्ट्रास्ट के लिए भी ये बहुत चलेगा। सॉलिड टी शर्ट पहन लिया, उसके ऊपर ये पहन लिया, और लोअर पार्ट में पलाजो या पटियाला, ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। और साड़ी के साथ तो ऑलवेज, क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा। ये एक है, ये ना रथ यात्रा का स्पेशल था, देखिए कितना सुंदर है ना, बहुत ब्राइट है। रेड कोई भी रेड जो पल्लू होता है और जो बॉर्डर होता है वाइट साड़ी के ऊपर, वो साड़ी से तो ये क्या बताऊँ, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है ना आपको, मुझे पता है, क्योंकि होता है लड़की लोगों का ये सब देखने के बाद रेजिस्ट करना बहुत प्रॉब्लम होता है, मगर करते करना चाहिए कभी कभी, नहीं तो क्या बताऊँ मैं, तो मुझे तो लग रहा है सभी ले लूँ अभी। देखिए कितना सुंदर है, और बहुत कम प्राइस में मिलता है, ये एक बेनिफिट है, थैंक यू इसलिए। ये देखिए इयर रिंग इसके साथ, और कोई चाहे तो सिर्फ इयर रिंग भी अवेलेबल है उसके पास, कोई अगर चाहते हैं कि सिर्फ इयर रिंग चाहिए इसका, वो भी अवेलेबल है। ये देखिए, और ये एक है शौहज पाट कॉन्सेप्ट के ऊपर, देखिए ऐसा पिक्चर। शौहज पाट एक बंगाली बुक्स होता है, सभी पढ़ चुके हैं शायद जो बंगाली है, उसका जो स्टोरी है उस स्टोरी के लेकर छोटा छोटा ये सब नेक पीसेस होता है, वो ब्लैक एंड वाइट कॉन्सेप्ट जो सबके साथ जाते हैं। और तो एक बहुत बहुत इटामीन है वो ये वाला देखिए कितना सुंदर है, इसमें ना
इसमें ना ऑक्सीडाइज के साथ मल्टी कलर किसी एक साड़ी कुर्ता क्या बोलूँ सलवार सबसे जाता है। देखिए कितना सुंदर है, इसको हाथ पे लेकर देखने के बाद कोई छोड़ सकता है क्या? मैं तो नहीं ये छोड़ पाऊँगी, इंशाल्लाह लगता है कि यही मैं ले लूँ ऐसा। बहुत ही अच्छा है, देखिए कितना सुंदर है यार, ये तो खूब सुंदर रे, ये तो काट आउल का कॉन्सेप्ट बहुत सारा लोगों का पसंद है। देखिए ऐसा कोई एक के साथ एक का सिमिलरिटीज नहीं मिलेगा, सब अलग अलग चीज़ है, वन पीस है। अगर कोई रिक्वेस्ट करे तो अलग से भी वो रिपीट करते हैं, मगर बहुत अच्छा है। ट्विन वाले था, इधिके था इधिके हैंडमेड। और ये देखिए ये इसमें अगर आप एक लॉकेट में इन्वेस्ट करिए तो डुअल क्या बोलूँ लुक्स मिलेगा। कैसे? ये देखिए स्टिचिंग के ऊपर है, ठीक है, जो बहुत चलता है विश्व भारती रविंद्र वन जो है वहाँ पर बहुत ये कॉन्सेप्ट बहुत जाता है। तो ऐसा तांते हैंडलूम इस साड़ी के ऊपर पर सलवार सूट के ऊपर भी अब चलेगा, और इसके अगर घुमा लो तो अलग एक लुक हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो है वो एक अलग सा लॉकेट है, तो एक के ऊपर इन्वेस्ट करने में ज्वेल लुक आ जाएगा। और यहाँ पर कॉइन ऐसा ऑक्सीडाइज का भी है, तो बहुत एथनिक एक लुक आने वाला है इससे। फिर एक ये है जो मधुबनी प्रिंट, बहुत फेमस है, बहुत टफ है क्रिएट करने में, बहुत जो पेंटर है वो जानते हैं। तो ये मधुबनी प्रिंट के ऊपर एक लॉकेट है जिसके ऊपर ऑक्सीडाइज का ऐसा इफेक्ट है। नहीं हाँ, मेरा हस्बैंड उसको इनक्रेज करता है, थोड़ा थोड़ा हेल्प करता है, मगर सब लेबर उसका ही है। देखिए कितना सुंदर है, कितना सुंदर है ये। और मुगल आर्ट ये करने में मेरा हस्बैंड थोड़ा सा हेल्प किया था उसको, उसका बहुत बिजी शेड्यूल था उस टाइम में, इसीलिए वो उसको भी अच्छा लगता है ये सब क्राफ्टिंग वगैरह। आर्टिस्ट जो होता है वो उसका तो अच्छा लगता है न्यू क्रिएशन में। तो देखिए ऐसा ऑक्सीडाइज के साथ ये बॉल्स, मल्टी कलर बॉल्स। और जो गामछा नेक पीस का बहुत क्रेजीनेस है अभी, बहुत इन है फैशन में, ये एक पीस आपके पास होना ही चाहिए। शायद ये हो सकता है ये सब टिपिकल फॉर्म में, और नहीं तो मल्टी कलर बॉल्स के अंदर जो मैंने पहले दिखाया ऐसा एक होना ही चाहिए। तो ये बहुत सारा ड्रेस के साथ आप कंबाइन करके पहन सकेंगे। देखिए और एक आउल है वो भी ऐसे, एक ब्लैक सूट पहन लो और इसके ऊपर ये कैसा लगेगा बताओ, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए पहले जो आउल था वो थोड़ा अलग था ऐसे, और ये ऐसे, सबका अलग 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 क्या बोलूँ लुक्स है, तो अच्छा है। और ओ माय गॉड कितना सुंदर, देखिए ये जूट के ऊपर है, फुल जूट के ऊपर जो क्या बताऊँ जो कोरी होता है हमारा पूजा पाठ में बंगाली रिचुअल में बहुत यूज़फुल रहता है, शुभ माना जाता है, उसके ऊपर ये दोनों डुअल लॉकेट मिलेगा ऐसे। साड़ी के ऊपर या कुर्ती के ऊपर तो बहुत अच्छा लगेगा ये। ये एक आउल के ऊपर है, गामछा स्टाइल प्लस आउल, दोनों का इफेक्ट अगर मिलना चाहिए तो ऐसा लेना चाहिए। राजा रानी कॉन्सेप्ट, छोटे टाइम में जब हम मेले में घूमने के लिए जाते हैं तो ऐसा फैमिली पैक एक टॉय मिलता था ऐसा, या राजा रानी टैपा टेपी, ये सब बहुत क्रेजीनेस होता है लड़की लोगों के अंदर। तो ऐसा ही एक नेक पीस है, देखिए कितना सुंदर है,
ये पढ़ने से ही लुक चेंज हो जाता है, थोड़ा सा बिंदी लिपस्टिक और एक साड़ी और कुर्ते के ऊपर ये एक पहन लो, अच्छा लगेगा बहुत। और ये तो क्या बताओ, बंगाली का सबसे फेमस फेस्टिवल दुर्गा पूजा है, सब लोग जानता है। यहाँ पर एक दुर्गा है, देखिए कितना सुंदर, ऑक्सीडाइज के ऊपर है, फुल्ली ऑक्सीडाइज, और इसके साथ रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष बहुत इन है फैशन में, तो ऐसा मुझे बहुत पसंद आया ये, इतना खूब सुंदर, खूब मैंने बहुत, ये कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक है, यूनिक चीज़ पहन से एक मज़ा अलग आता है। और ये देखिए चोकर, जो गले के साथ एक साथ होता है ना चोकर, वो एक गामछा स्टाइल में है, उसके साथ ऑक्सीडाइज का कॉइन है, और जो बॉल्स है उसके साथ छोटा एक बीट ऑफ पर्ल है, तो ऐसा बहुत सुंदर दिखने में है। ये इंडो वेस्टर्न स्टाइल के लिए बहुत ही एक लुक्स क्रिएट कर सकते हैं, खूबसूरत लुक्स, बहुत अच्छा है ये। हमारा मैथ्स टीचर, ये देखिए बहुत बिजी है, ये ऑलवेज बिजी रहता है, ये पराना वो पराना बहुत बिजी रहते हैं, बहुत अच्छा स्टूडेंट भी था ये, बहुत ही ऐसा मत बोलो, ये ऐसा ही तो हो स्टूडियस, हर स्टूडेंट अच्छा होता है, क्यों जी नहीं नहीं ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट था, तो ऐसा मत नहीं क्या पास में वो कौन है इसके पास,